भिलाई कचांदूर स्थित सीएम मेडिकल कॉलेज के सामने हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर ने की बड़ी कार्रवाई। कई एकड़ जमीनों पर चलाए गए जेसीबी। लगातार हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने अब नकेल कसना प्रारंभ कर दिया है। दुर्ग तहसील के अंतर्गत ग्राम कचांदूर स्थित सीएम मेडिकल कॉलेज के सामने भिलाई में भू माफियाओं के द्वारा लगातार अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर भूमि को बेचा जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर एवं नगर निगम के जोन आयुक्त की टीम के द्वारा हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। भू माफियाओं के द्वारा किए गए प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाकर लगाए गए खम्भों को गिराया गया, वहीं मार्ग संरचना को भी हटाया गया। प्रशासन के द्वारा कई एकड़ जमीनों पर कार्रवाई की गई है। वहीं अवैध प्लॉटिंग को लेकर अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदु ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। तहसील दुर्ग अंतर्गत लगातार जो शिकायतें हमको अवैध प्लॉटिंग पे हो रही थी, उसी पे कार्रवाई करने हेतु आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। पहले जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही थी जगह को चिन्हांकित किया गया है। आज जेसीबी के माध्यम से जो मार्ग संरचना है उसको परिवर्तित किया जाएगा। जहाँ जहाँ मुरुम डाला गया है उसको हम लोग जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे और अवैध प्लॉटिंग कार्रवाई को रोकेंगे। अवैध प्लॉटिंग तो लगातार कई एकड़ जगह पे चल रही है। कहीं पे चार जगह, चार एकड़, कहीं पे पाँच एकड़, कहीं पे दो एकड़, कहीं पे छोटे प्लॉट पे, कहीं बड़े प्लॉट पे भी चल रहा है। तो हमारी जानकारी के हिसाब से जितने भी हम लोग चिन्हांकित किए सब पे कार्रवाई करेंगे। अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है, वो भी हम लोग पता कर रहे हैं। पर ये सब निजी भूमि स्वामी जमीन है, नहीं किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है। ये हमारा जो रेगुलर काम है उस पे काम कार्रवाई कर रहे हैं लोग। वहीं अब देखना होगा कि भू माफियाओं के द्वारा दुर्ग तहसील अंतर्गत कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग की गई है, क्या प्रशासन की नज़र इन भू माफियाओं पर पड़ती है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे।